तो मेरे ख्याल से अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में जाना बाकी रह गया है, वरना तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चलाते थे उनको अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। बात तो सही है। कल मोदी जी ने घबराहट में 38 राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। बात तो सही है। इसमें से 26 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। जिन दलों को उन्होंने बुलाया वो कह रहे हैं बेचारे कि हम दल नहीं है, बड़ा हरामी हो, हमको कमल के दलदल में मत खींचो। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं नहीं नहीं आओ आओ। भाई विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये आरोप है कि मोदी जी महंगाई मैन बन गए, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? अब इसमें सच्चाई तो मार्केट ही दिखा रही है कि अपन आज टमाटर तक के नहीं खरीद पा रहे हैं। जो विपक्ष कांग्रेस जो बोल रहा है तो बात को आप भी मानेंगे कि मोदी जी महंगाई मैन बन गए करके? नहीं, मोदी जी के कारण तो हम नहीं मानेंगे। किसके कारण हुआ है फिर? अब भाई ये हिना कांवरे जवाबदार है? नहीं नहीं, हिना कांवरे जवाबदार नहीं। सबसे मेन व्यक्ति है जमाखोर। जमाखोरों पे जब तक के कार्रवाई नहीं होगी जब तक के महंगाई कम नहीं होगी। तो इस बार फिर से हम भाजपा को वोट देंगे और भाजपा के सक्रिय सदस्य। आपके क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार है सर? हाँ। जब ट्रेन सिंगल इंजन नहीं खींच सकती, लोड हो जाता है तो डबल इंजन लगाया जाता है। हाँ। तो पूरा ट्रेन खींच लेता है। हाँ। जब यहाँ कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, तो फिर विकास नहीं हो रहा है, इसलिए क्यों रो रही इधर की जनता? अब ऐसा है, यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी का है, केंद्र में बीजेपी के प्रधानमंत्री है, इस वजह से इसको काम नहीं रोका जा रहा है। टमाटर का रेट तो देखो, टमाटर का रेट बढ़ रहा है तो किसानों का रेट बढ़ रहा है, अनेक किसान को फायदा हो रहा है। और जो व्यापारी वर्ग लोग क्या चाहते हैं कि किसान का फायदा ना हो, और किसान चाहते हैं कि मेरा फायदा हो, तो ये किसान खुश है। हाँ, किसान खुश है। जो उत्पादन कर रहा है वो खुश है। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक अपन एक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो सीखेगा कैसे? अच्छा। हाँ, जब तक सीखेगा नहीं तो प्रोग्रेस नहीं। सीखने जा रहे हैं, सीखने भी जा रहे हैं उसका प्रचार। यानी अच्छा। देखो बाहर जाके 9 साल में सीखे नहीं? सीख चुके हैं ना? 9 साल बेमिसाल बोल रहे हैं सर। नहीं, नहीं, तो मेरे को बेमिसाल बताइए। तो अभी आपके क्षेत्र में चुनाव है, हम थोड़ी सी चर्चा करना है लोगों से, जैसे परसवाड़ा क्षेत्र हो गया, लांजी क्षेत्र हो गया, तो इस बार फिर से बीजेपी वही रिपीट होगा कि कुछ परिवर्तन है? नहीं नहीं, बीजेपी ही होगा, फिर से आने वाला है, फिर से है ना। शिवराज सरकार से खुश है आप? हाँ, नहीं सरकार से तो कोई नाराजी नहीं है। अभी जो चुनाव है आपके क्षेत्र में विधानसभा के, तो फिर से कमल बैठेगा ऐसा कुछ लग रहा है आपको? ये बात तो मुश्किल है। तो मुख्यमंत्री के काम से खुश नहीं आप? उसके काम से खुश है या नहीं, पर बहुत से ऐसी कुछ जनता है जो नाखुश है। बारी की है मार्च 1966 में मिजोरम। मैं आपसे अभी की बात पूछ रही हूँ, आप मुझे बस हिस्ट्री बता रहे हैं, सब पता है सर। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, दोनों बराबर। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अभी हिस्ट्री लगती है जिना, असम अकॉर्ड नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया राजीव गांधी जमाने में, हिस्ट्री। आई विल नॉट अलाउ दिस, दिस हैज टू स्टॉप। बोडो अकॉर्ड क्यों नहीं लगा? सुधांशु जी, इसीलिए मणिपुर ने आपको सुन के आपको मुख्यमंत्री वहां बनाया। पहले क्या बोला? चल चला, उस पर जवाब ही नहीं दे रहे आप। बकवास। अंग्रेजों से मुखबरी करते करते इन्होंने सीखी है, उसी का नतीजा है ये मणिपुर। आप बताइए मणिपुर पर क्या हो रहा है? इस देश की संसद में तो हम सुन नहीं पा रहे नेता क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजस्थान और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है। कुछ भी। मणिपुर में क्या इश्यू है? मणिपुर में क्यों नहीं संभाल पा रहे आप लोग? बोलते बंद क्यों? एक आवाज नहीं उठी। क्यों हिंसा रुकती है लेकिन फिर वो चक्र नहीं खत्म होता? वाह मोदी जी वाह। आपने सेना भेजी। हाँ। आपके मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हुए। गजब बेइज्जती है। FIR कितने कितने दिनों पर हो रही है वो सब दिख रहा है। एक आवाज नहीं उठी। एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं। फेलियर नहीं है तो क्या है? अरे सुधांशु जी, इसीलिए मणिपुर ने आपको सुन के आपको मुख्यमंत्री वहाँ बनाया, उस पर जवाब ही नहीं दे रहे आप। 2024 में राहुल जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, वरना ये देश और भी। नो, आई विल नॉट अलाउ दिस। ये फीलिंग है सबको पता है। अब महंगाई के ऊपर देख लीजिए ना, कांग्रेस के राज में 400 रुपए का सिलेंडर था। बात तो सही है। बढ़ते थे 1 रुपया 2 रुपया, अगर जब भी बढ़ते थे स्मृति ईरानी चूड़ियां फोड़ती थी रोड पे कि हमारा महंगाई डायन खाए जाता है। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ गई है? कहाँ? बोलते बंद क्यों? एक आवाज नहीं उठी। मणिपुर में क्या बोलेंगे वो? एक आदिवासी ने, उन्हीं के नेता ने एक आदिवासी ने पेशाब करा है, उसमें भी नहीं बोले। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले अच्छा से एक ही आवाज आ रही है। अरे कम से कम बीजेपी वालों, अब तो सुधरो, अब तो सुधरो, बहुत हो चुका।
बात तो सही है। इतना बर्बाद मत करो जनता को, जो कांग्रेस ने बनाया है 70 साल में तुम उसको बर्बाद कर दिया। पूरी दुनिया को पता है, पूरी जनता को पता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हर जगह क्या हो रहा है, वहाँ प्रधानमंत्री को होना चाहिए मौजूद, वो वहाँ क्यों नहीं है? कहाँ छिपा हुआ है, बोलती बंद क्यों? प्रधानमंत्री कम से कम मणिपुर में जाओ और जोर जोर से बोलो। वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, एक प्रवक्ता ने कहा कि बेशर्म है चले जाएंगे। बेशर्म इस देश की सरकार है। बात तो सही है। बेशर्म इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वाह मोदी जी वाह। जो एक दिन कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, वो आपको अपने आप करना पड़ता है। और 24 घंटे के अंदर तमाम जो लोग कन्विक्टेड हैं उनको सबको आप अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं वॉशिंग मशीन से धोकर। हाँ भाई, कैसी लगी? देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ये कहते थे कि एक अकेला काफी, एक अकेला सबको हरा देगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 26 दलों की बैठक में मोदी जी घबरा कर इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने ऐसे ऐसे दलों को बुला लिया, हम तुम कहा कैसे लेकिन वेकिन मेकिन सारे दलों को बुला लिया। 26 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं।